सिद्धार्थ नाम है वो हम समझ गए, लेकिन पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ? अच्छा चलिए, पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन। अरे भाई देखिए, मनोरंजन गुप्ता प्रधान जी। गुप्ता? तो गुप्ता जी हैं आप जी। चले प्रधान जी, बस गद्दा ही लेना है थे। अरे आराम करो। अच्छा ठीक है बाबा, गद्दा लपेट ही लिया है तो चलिए फिर, हमने सोचा थोड़ी देर और बैठते। आप लोग जा रहे हैं, हम चाय चढ़ाने लगे थे। नहीं मैडम, चाय तो रहने दीजिए, ऑफिस में ही पी लेंगे, वहाँ दूध बचा हुआ रखा है, खराब हो जाएगा। आजा जी, चाय रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले ले भैंस के साथ। अरे चलना अभी बात। यार भाई प्लीज यार, एक फोटो स्टोरी डालूंगा यार। अरे खींच लीजिए खींच लीजिए, रोज रोज गांव थोड़ी आना होता। चलिए खींच लीजिए, खड़े हो जाइए। बस एक फोटो तीन चार एंगल से, ठीक है? ये एक ऐसे खींचो, एक ऐसे। बहुत सीधा साधा भैंस है भाई। भाई भैंस क्या बीन बजाने वाला? दिल्ली में भैंस नहीं होता क्या? आगे ले चलो। फोटो तो अच्छी है, इंस्टा पे डाल दे। दोपहर के समय इतना सन्नाटा है गांव में, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ। अरे भाई अब तो भैंस से भी लात खा ली, अब और कितना एडवेंचर करना है तुझे? गांव थोड़ी बोरिंग जगह तो होती है यार। और क्या समझाता रहता हूँ मैं। क्या बोल रहे सिद्धार्थ जी? अरे प्रहलाद जी आओ आओ। अब यार मस्ती करने वाले आदमी साथ बैठे ही नहीं है, और फिर बोरिंग बोलने बताओ। अरे यार वो तो ऐसे ही बोल रहे। नहीं सिद्धार्थ जी, आप उतना भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग आ गए। बताइए सर क्या करना है? क्या करना है? ड्रिंक्स वगैरह का तो रात को सोचा हुआ है, अभी रात का इंतजार क्यों करना है? हाँ वही, रात का क्यों इंतजार करना है? तो दिन में एक ठंडी बियर सचिव जी। तब क्या, चटमगनी पट गया? हाँ यार एक एक ठंडी बियर तो चली सकती है। तो कहाँ, यहाँ पीना है इधर ही पीना है? यहाँ कौन पिएगा, हम लेके चलते हैं ना आपको। कहाँ? अरे कभी परी दोपहर में पेड़ की छांव में ठंडी बियर पिया है? अद्भुत भाई, परी दोपहर में तो गोवा में पी थी एक बार समंदर किनारे। अरे गोवा में आप लोग पैसा खर्चा करने जाके बियर पी रहे हैं, हमारे साथ चलिए, प्रोग्राम आपको डबल मजा कराएंगे।